साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी फार्मेसी पे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और मैं उनका आंसर देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पे वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों, बहुत से विद्यार्थी जो डी फार्मा और बी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करके हमारे पास हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग करने आते हैं, तो मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मा करके हॉस्पिटल में हमारे ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसकी 500 आवर्स 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। एंड बी फार्मा होता है, किसी किसी इंस्टीट्यूट में 45 डेज की होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी से 30 डेज की होती है। जैसे AKTU है, थर्ड सेमेस्टर में 45 डेज की जो है, बी फार्मा के थर्ड ईयर में जो है 45 डेज की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। साथियों, किसी तरह की क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर तक जरूर दूंगा। साथियों, और हमारे तक पहुंचने के लिए हमारा पेज भी है इजी स्टडी फार्मेसी एंड FB पेज है साथियों, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार FB पेज है, उस पर भी आप हमें जो है क्वेश्चन और कमेंट कर सकते हैं। साथियों, एक विद्यार्थी ने जो है क्वेश्चन किया कि सर, मैं डी फार्मा हरदोई जिला से किया है, मतलब डी फार्मा हरदोई डिस्ट्रिक्ट से किया है, उत्तर प्रदेश से, क्या मैं लखनऊ से ट्रेनिंग नहीं कर सकता? कहने का मतलब है, क्या पूछने का मतलब यह है कि हरदोई से डी फार्मा किया है तो मैं लखनऊ से ट्रेनिंग कर सकता हूँ? यस, ज़रूर कर सकते हैं साथियों। इसके बारे में हम जो है पूरा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा जो होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स होता है, प्लस 3 मंथ हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। साथियों, जिस तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 6 मंथ करके प्रिपरेशन कराते हैं, तो 4 सेमेस्टर मानते हैं, लेकिन 1 सेमेस्टर जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है 3 मंथ का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, डी फार्मा 2 साल का होता है। साथियों, इसमें 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 500 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। बी फार्मा में साथियों क्या होता है, ये इंजीनियरिंग में मैप है और डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है। तो जो भी हॉस्पिटल है, 100 बेड है, CSC है, PSC है, आर्मी है, क्या होता है, तिब्बत पुलिस है साथियों, CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, रेलवे है, IFFCO है, NTPC है, कहीं भी आप जाएंगे साथियों, एम्स है, और जो है क्या होता है कि PGI है, उसमें डी फार्मा ही जो है जॉब फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल में लगती है, जहाँ पे दवाई का वितरण, रख रखाव, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, दवा की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है, डी फार्मा है। क्योंकि डी फार्मा साथियों क्लिनिकल में मैप है और बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों, जो भी विद्यार्थी बी फार्मा करते हैं, वो सोचते हैं हॉस्पिटल में मेरी जॉब क्यों नहीं लगती है। साथियों, बहुत सी एसोसिएशन की लड़ाई के बाद जो केंद्र की ASI है, उसमें तो जो है आप एंट्रेंस देने के एलिजिबल हैं, कि वहाँ पे आप जो है डी फार्मा बी फार्मा दोनों एंट्रेंस देते हैं, जिसकी जॉब लगती है वो जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनता है, केंद्र की ASI, सेंट्रल गवर्नमेंट की। साथियों, लेकिन क्या होता है, बी फार्मा जो है इंजीनियरिंग में मैप है, और इसमें साथियों क्या होता है कि आप दवा के प्रोडक्शन में जा सकते हैं, दवा का निर्माण कर सकते हैं, दवाई भेषज विज्ञान जो है हमारी, उसमें बहुत सी डिवीज़न है, क्वालिटी कंट्रोल है, कहीं पे जो है वोटर कवरिंग टैबलेट की बनानी है, कैप्सूल फॉर्म में है, बहुत तरह की जो है रिसर्च है, उसमें आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, और एक आप जो है अपने को बी फार्मा के बाद अपग्रेड करके और जो है एम फार्मा कर सकते हैं, और एम फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा, डी फार्मा, या बी फार्मा है तो डी फार्मा को पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है, लेक्चरर आप बन सकते हैं और प्रोडक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद साथियों क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर आप बी फार्मा किया है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या है कि थोड़ा सा जो है उसमें लिमिटेड है, कि प्रोडक्शन में आपका ड्रीम है अगर जाने का तो बहुत अच्छी बात है, टीचर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है ड्रग इंस्पेक्टर की बनने की चाहत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में कैसे आएंगे? क्योंकि उसके GO में लिखा है कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसन्स, और उसकी डोज बताना, जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है साथियों, तो वो जो है उसका काम है, तो डी फार्मा की जॉब उसमें लगती है। साथियों, जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा हरदोई जिला से कर रहा हूँ और क्या मैं लखनऊ से भी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, यस, आप ज़रूर कर सकते हैं साथियों। मैं यही कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में होना है,
तो आप किसी भी सरकारी संस्था में, लेकिन प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में, जो 100 बेड हॉस्पिटल है, संयोग चिकित्सालय है, या जिला अस्पताल है, या महिला चिकित्सालय है, या फिर CSC है, PSC है, जहाँ पे भी सरकारी फार्मासिस्ट पोस्टेड है, मौजूद है, उसके अंडर में आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों CSC PSC होती है, वहाँ CMO के थ्रू जो है वहाँ पे क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, CMO के वहाँ से साइन हो जाता है और आप वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं। 100 बेड में क्या होता है, CMS वहीं पे मौजूद होता है, आप वहाँ से बेड का ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल है, संयोग चिकित्सालय है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय है, CSC है, PSC है, जितने भी, और ऑटोनॉमस बॉडी भी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और राम मनोहर लोहिया है, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे साथियों कंडीशन ये है कि अगर आप KGMC से करेंगे तो 25,000 आपको पे करने पड़ेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आपको गवर्नमेंट रसीद मिलेगी आपको, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप अगर हरदोई के रहने वाले हैं, बेटर है आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई में जाएंगे, जिला अस्पताल में आपकी ट्रेनिंग श्योर हो जाएगी। वहाँ से आप अपने नज़दीकी गृह निवास जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे चिकित्सालय ज़रूर होगा सरकारी, वहाँ पे आप जो है ट्रेनिंग के लिए अपना अपॉइंट करा लीजिए। अदरवाइज़ आप लखनऊ ज़िला से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, आप हमसे कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, नमस्कार साथियों।